IPL 2020 युवराज सिंह हुए भावुक, बोले मेरी वो उम्र आ गई जहां मैं पूरे साल नहीं खेल सकता। बीते कुछ महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह को IPL में मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम से बाहर कर दिया है। भारत के लिए 40 टेस्ट, 304 वनडे और 58 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने संन्यास के बाद ग्लोबल T20 में अपना बला चमकाना चाहते हैं। हालांकि फिलहाल वो अबू धाबी में चल रहे T20 खेल रहे हैं। 2011 वर्ल्ड कप के हीरो रहे युवराज सिंह ने शनिवार को एक अंग्रेजी समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बताया, मैं अपने करियर इस फेज का आनंद उठा रहा हूं। मैंने कनाडा में खेलकर खूब आनंद उठाया। दुर्भाग्यवश मैं CPL नहीं खेल सका क्योंकि उसका समय ही ऐसा था, लेकिन साल भर में 2 या 3 लीग खेलना मेरे लिए सही है। अब मेरी रिटायर होने के बाद की जिंदगी है। मैं उन सभी चीजों पर काम कर रहा हूं, जिसमें मुझे संन्यास के बाद काम करना था। जब भी मैं क्रिकेट को मिस करता हूं तो ये 2 या 3 टूर्नामेंट हैं, यहां आकर खेल लेता हूं। उन्होंने आगे कहा, अब मेरी वो उम्र आ गई है जहां पर मैं पूरे साल नहीं खेल सकता हूं। मैं अब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। अब अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं क्योंकि पिछले 17 साल बहुत उतार चढ़ाव भरे रहे हैं मेरे लिए, इसलिए अब थोड़ा आराम करना चाहता हूं। इसके अलावा उन्होंने T20 के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि T20 क्रिकेट में मैं नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 6 से 8 गेंद लेता था, लेकिन यहां पर आपको वो समय नहीं मिलता है। यदि आपने 3 या 4 गेंद डॉट खेली तो आपको बड़ा शॉट खेलना ही पड़ेगा। एक बल्लेबाज के रूप में आप हमेशा दबाव में रहते हो। अलग अलग फॉर्मेट का अपना अलग महत्व होता है। इस फॉर्मेट के लिए आपको पहली गेंद से आक्रामक होना होगा। वहीं दहन ग्रेड के बारे में बात करते हुए युवराज ने कहा, 100 गेंद का प्रारूप भी T20 जैसी क्रांति ला सकता है। बता दें कि दहन ग्रेड 2020 में शुरू हो रहा है और इंग्लैंड में पारंपरिक काउंटी क्रिकेट से हटकर इस नए टूर्नामेंट को शुरू किया जाएगा। इसमें टीमें 100 गेंद तक बल्लेबाजी करेंगी, जिसमें 10 गेंद के बाद छोर बदले जाएंगे, जबकि प्रत्येक गेंदबाज लगातार 5 या 10 गेंद फेंक सकता है।